जय श्री कृष्ण। जिला करौली में स्थित मदन मोहन जी महाराज का मंदिर, जहां देश विदेश से लोग विग्रहों का दर्शन करने आते हैं। आज हम सब मिलकर इन्हीं मदन मोहन जी का इतिहास तथा उन बातों को जानते हैं जो समय समय पर हमारे मन में अलग अलग प्रकार की जिज्ञासाएं पैदा करती हैं। मान्यता है कि करौली स्थित मदन मोहन जी के विग्रह के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र बज्रनाभ जी ने 8 और स्वरूप तैयार किए, अर्थात उन्होंने अपनी दादी माँ रुक्मणी देवी से पूछकर 8 मूर्तियां तैयार की और उनमें सर्वाधिक साम्यता वाली मूर्ति ढूंढने के लिए कहा। देवी रुक्मणी जी ने उन 8 स्वरूपों में भगवान के अलग अलग अंग प्रत्यंगों से साम्यता दिखलाई। इन 8 मूर्तियों को 4 में देव का नाम दिया गया, 2 को नाथ का नाम दिया गया तथा 2 को गोपाल का नाम दिया गया। बज्रनाभ जी ने जो 8 विग्रह बनाए, इनमें से हरदेव जी गोवर्धन जी में विराजते हैं, केशव देव व बलदेव मथुरा में विराजते हैं, गोविंद देव जी जयपुर में स्थापित हैं, श्रीनाथ जी उदयपुर में, गोपीनाथ जी जयपुर में, साक्षी गोपाल जी उड़ीसा में तथा मदन गोपाल जी करौली में सुशोभित हुए। इनमें भी मुख्य रूप से नाभि से और चरणों का हिस्सा साक्षात मदन गोपाल के नाम से सुशोभित हुआ, जिस विग्रह के नाभि से चरणों तक का स्वरूप भगवान श्री कृष्ण से बिल्कुल मिलता जुलता था, रुक्मणी जी ने उसे मदन गोपाल का नाम दिया और वही मदन गोपाल मदन मोहन जी के नाम से करौली में स्थापित हुए। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी तथा मदन मोहन जी महाराज के दर्शन एक ही सूर्य अर्थात सूर्य उदय होने के पश्चात सूर्य के अस्त होने से पूर्व व्यक्ति यदि एक ही दिन में इन तीनों विग्रहों के दर्शन कर ले तो उसे साक्षात श्री कृष्ण के चरणों में जाने का अवसर प्राप्त होता है। इसी कारण लोग मंगला अथवा धूप श्रृंगार की आरती के पश्चात संध्या आरती गोविंद देव जी एवं गोपीनाथ जी की करके इस पुण्य लाभ को समय समय पर लेते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रास के समय कामदेव को भी मोह लिया था, इसी कारण उनका नाम मदन मोहन पड़ा, जो आज हमारे करौली के आराध्य देव हैं। यह विग्रह जो आज करौली में विराजता है, सर्वप्रथम श्री दामोदर चौबे के यहाँ 150 वर्ष तक पूजा गया। इसके बाद यही विग्रह सनातन गोस्वामी के साथ वृंदावन में आदित्य टीले पर विराजित हुए। वहां बिना नमक की रोटी का भोग लगाने पर सनातन गोस्वामी को जब भगवान के द्वारा टोका गया, तब भक्त द्वारा अपनी असमर्थता प्रकट करने पर रामदास व्यापारी, जो कि नमक का व्यापारी था, उसकी नावों को रोककर प्रेरणा देकर स्वयं अपने लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण ठाकुर जी द्वारा करवाया गया। सनातन गोस्वामी के बैकुंठवासी होने के बाद उनके शिष्य सुबलानंद को सेवा प्राप्त हुई। सुबलानंद अत्यंत विद्वान व प्रभावशाली वक्ता थे। एक बार अपने प्रवचनों में तीनों विग्रहों के एक साथ दर्शन करने से मिलने वाले फल को सुनकर सभी राजाओं में इन विग्रहों को अपने अपने राज्य में ले जाने की होड़ मच गई। उस समय मुगलों का आतंक भी अपने चरम पर था, विग्रहों की सुरक्षा करना मुश्किल हो रहा था। तब राजा जयसिंह द्वारा सुबलानंद जी की सभी मांगों को मान लिया गया और ये तीनों विग्रह भरतपुर में विश्राम लेकर जयपुर पहुंचे। जयपुर में वृंदावन के समान ही तीनों विग्रहों की सेवा होने लगी। श्री मदन मोहन जी की माया कहें या ब्रजभूमि से उनका प्रेम, या कहें करौली के भक्तों की पुकार, एक दिन स्वप्न में राजा गोपाल सिंह से मदन मोहन जी ने करौली आने की इच्छा प्रकट की। राजा गोपाल सिंह जी ने इसे मदन मोहन जी की इच्छा मान विग्रह को करौली लाने के प्रयास आरंभ कर दिए। चूंकि राजा जयसिंह राजा गोपाल सिंह के बहनोई होने के साथ साथ परम भक्त भी थे, तो उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण
वे भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए आंखों पर पट्टी बांधकर मदन मोहन के विग्रह को पहचानने की शर्त रख दी। मान्यता है कि राजा गोपाल सिंह ने जैसे ही भीतर जाकर तीनों विग्रहों के चरण दबाना आरंभ किया, वैसे ही मदन मोहन जी के चरणों को छूते ही हूं की आवाज आई। दूसरी मान्यता है कि प्रभु ने भीतर जाकर स्वयं गोपाल जी का हाथ पकड़ लिया। श्री गोपाल जी विग्रह को पहचान कर अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तथा जयपुर नरेश ने विग्रह को करौली भेजने की स्वीकृति दे दी। पूर्ण निष्ठा एवं भक्ति से जुड़े हुए भक्त आज भी मदन मोहन जी के चमत्कारों की कथाएं कहते हुए देखे जाते हैं। इस प्रकार करौली में मदन मोहन जी को लाने का श्रेय महाराज श्री गोपाल सिंह जी को ही जाता है। संवत 1785 में गुसाई सुबलानंद जी भगवान मदन मोहन जी के विग्रह को लेकर जयपुर से रवाना हुए। करौली प्रवेश से पूर्व भगवान की सवारी 2 दिन गांव शारौली में रुकी। वहां पर मीठे पानी की व्यवस्था नहीं थी और भगवान मदन मोहन के आते ही वहां मीठे पानी के झिर खुल गए। फिर 2 दिन अंजनी माता के मंदिर के पास यह यात्रा रुकी। फिर दीवान बाग से सदर बाजार होती हुई रावल मैदान में होकर सर्वप्रथम अमनिया भंडार, जहां भगवान गोपाल जी पहले ही विराजित थे, वहां पहुंची। तभी से मंदिर में दाईं ओर विराजित गर्भगृह में गोपाल जी को मेजबान तथा मध्य के कक्ष में विराजित मदन मोहन जी को मेहमान के रूप में माना जाता है। राजा गोपाल सिंह स्वयं नंगे पैर भगवान मदन मोहन को कांधे पर बैठा कर लाए थे। उस समय करौली शहर की शोभा अद्भुत थी। सभी द्वारों पर चांदी के दंड लगाए गए, ध्वजाएं लगाई गईं, पताकाएं फहराई गईं तथा सभी भक्तों ने नाच गाकर अति आनंद से एक उत्सव के रूप में मदन मोहन जी का स्वागत किया। इस अमनिया भंडार में 20 वर्ष तक दोनों विग्रहों की पूजा होती रही। इसके बाद राजा गोपाल सिंह द्वारा किले के बाहरी हिस्से में एक भव्य वे विशाल मंदिर का निर्माण करवाया गया, जिसे हम आज तक देखते हैं। तत्पश्चात 1748 में पूर्ण विधि विधान के साथ दाईं ओर के गर्भगृह में मेजवान प्रभु गोपाल जी को, मध्य के गर्भगृह में मेहमान रूप में आए मदन मोहन जी को, वे बाईं ओर के गर्भगृह में राधा वे ललिता जी को स्थापित किया गया। भगवान गोपाल जी के गर्भगृह के दाईं ओर भोजन गृह है। इसमें तैयार किया गया भोजन गोपाल जी के सामने से होकर मदन मोहन के गर्भगृह तक लाया जाता है, क्योंकि मेहमान तक भोजन पहुंचाने से पहले मेजबान की नजरों के आगे से प्रसाद का गुजरना आवश्यक होता है। स्वप्न दर्शनों को ही प्रामाणिक मानकर उत्कल के राजा रुद्र प्रताप के पुत्र नरोत्तम दास द्वारा देवी राधा तथा ललिता सखी की 2 प्रतिमाएं तैयार करवाई गईं तथा उनको मदन मोहन जी के मंदिर में भेजा गया। इनमें छोटी मूर्ति राधा जी की तथा बड़ी मूर्ति ललिता सखी जी की मानी जाती है। जहां राधा जी को बाईं ओर विराजित किया गया है, वहीं ललिता सखी दाईं ओर विराजित होती हैं। अब हम प्रभु की लीलाओं को संक्षिप्त में जानते हैं। सर्वप्रथम एक लीला जो आश्चर्यचकित करती है, वह यह कि प्रत्येक दिवस भगवान की प्रत्येक झांकी में प्रभु की भाव भंगिमाएं बदलती रहती हैं। मंगला में प्रभु के विग्रह पर स्पष्ट नरसिंह भगवान की झलक दिखाई देती है, ऐसा नियमित आने वाले भक्तों की मान्यता है। भक्त ताज खां को घर जाकर दर्शन दिए, काले खां जो कि नित्य स्वयं पदों की रचना किया करता था, उसके पुत्र की सर्प दंश से मृत्यु होने पर 108 पद बनाकर सुनाने पर चरणामत के माध्यम से उसके पुत्र को जीवित करने का यह चमत्कार इसी मंदिर में हुआ है। पंजीरी गुजरी जो दूध सेवा करती थी, लोभवश उसने दूध में पानी डाला
और दूध में मछली निकलने पर उसके दूध को गुसाई द्वारा बंद कर दिया गया। तब ठाकुर स्वयं उसके घर जा पहुंचे। वे अपना नीला पटका वहां छोड़कर चले आए। तभी से अमावस्या के दिन भगवान को नीली पोशाक उड़ाई जाती है। ब्रजलाल नामक चोर ने जब प्रभु के गहने चुरा लिए तो वह अंधा और पगलाया सा हो गया और उसने अपना अनुभव बताया कि मुझे हर पल ऐसा लग रहा था जैसे ठाकुर मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। एक बार गणपति नामक ब्राह्मण जो अत्यंत गरीब होने के साथ साथ अंधा भी था और चूर्ण बेचकर गुजारा करता था, एक बार उसने दुखी होकर भगवान से नेत्रों में ज्योति देने की प्रार्थना की। उसने अपना अनुभव बताया कि कोई बालक आया मुझे पकड़कर मंगला दर्शन कराने के लिए लाया और यहाँ आते ही मेरी नेत्रों में ज्योति आ गई। उसने इसे मदन मोहन जी का ही प्रताप बताया। एक बार गंगापुर के भक्त सूरजमल का पुत्र कुंड में डूब गया। लोगों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वह परम भक्त था, उसने मदन मोहन जी से अर्जी लगाई तो सकुशल उसका पुत्र कुंड से बाहर आ गया। एक बार भद्रावती नदी ऐसी उफान पर आई कि सबको लगने लगा कि करौली शहर का सर्वनाश निश्चित है। तब प्रभु ने पुजारी को स्वप्न में कहा कि भद्रावती में लहंगा व मेरा पीतांबर डाल दो। उसी समय से नदी अपने स्थान पर जाने लगी और अपनी यथा स्थिति पहुंच गई। इन उदाहरणों के अलावा हजारों और भी उदाहरण नित्य भक्त अपने हृदय में महसूस करते हैं। मदन मोहन के गर्भगृह के ठीक सामने उनके परम भक्त राजा गोपाल सिंह जी की छतरी भी है, जहां से आज भी भक्त और भगवान का संवाद होता है। भगवान की आरती उतारने के पश्चात अंतिम आरती गोपाल सिंह जी को समर्पित की जाती है। करौली रियासत के राजस्थान में विलय होने के कारण मंदिर के खर्चों में कई बार आर्थिक स्थिति खराब होने का सामना करना पड़ा। जैसे ही ऐसी स्थिति बनती तैसे ही अचानक से देश विदेशी भक्तों का आगमन होने से पुनः मदन मोहन जी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होना प्रारंभ हो जाती। आज भी हालात यह है कि कई खर्चों के उपरांत तथा निरंतर बढ़ती सुविधाओं के उपरांत भी मदन मोहन जी के मंदिर में पूंजी की अधिकता ही रहती है। किसी समय में जहां कभी कभार कोई भक्त या राज दरबार की ओर से कोई पोशाक आती थी, वहीं आज नित्य नई व कीमती पोशाक तथा जेवर प्रभु को भेंट किए जाते रहते हैं। जहां पहले सिर्फ राज परिवार की ओर से एक फूलों की डलिया भेंट की जाती थी, वहीं आज नित्य हजारों रुपयों की मालाएं भक्त प्रभु पर न्योछावर करके जाते हैं। युगल प्रसादी, जिसे जुगल कहा जाता है, उसमें लड्डू और कचौरी आती है। इसका अलौकिक स्वाद व सुगंध अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं। यह युगल प्रसादी कभी कभार प्रशासन की ओर से लगाई जाती थी, वहीं आज नियमित सैकड़ों युगल प्रसादी लगकर भी प्रसाद की कमी ही बनी रहती है। बाड़ा भोग या आठों झांकी का भोग भी अब रोज लगता है। यह जितना मंदिर की ओर से लगता है उतना ही भक्त की ओर से बढ़ता हुआ लगाया जाता है। छप्पन भोग सर्वप्रथम राज दरबार की दादी साहिबा की ओर से लगाया गया था। तब भोग के थाल जगमोहन तक आ गए थे। आज प्रतिदिन 256 भोग लगाए जाने लगे हैं। अत्यंत स्वादिष्ट भोगों की श्रृंखला में लूचई, खिरसा, गाय के दूध से बनी हुई रबड़ी, इमरती, जलेबी, शक्करपारे, पूरी में अनेकानेक अलौकिक स्वाद वाली प्रसादी नियमित यहाँ प्राप्त होती है। यह स्वाद तथा प्रसाद का यह स्वरूप अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिलता। अब वे महत्वपूर्ण बातें जो आपको जानना चाहिए कि युगल झांकी के समय मदन मोहन जी के बाईं ओर राधा रानी तथा दाईं ओर ललिता सखी विराजती हैं। भगवान के कक्ष में दो छोटे छोटे स्थान या कक्ष बनाए गए हैं, जहां एकल झांकी होने पर राधा जी व ललिता जी को विराजित कर दिया जाता है। भगवान मदन मोहन जिस पट्टिका पर खड़े हैं
वहां कमल का पुष्प चिन्हित है। भगवान मदन मोहन जी की थोड़ी में एक अत्यंत बहुमूल्य हीरा जड़ा हुआ है। भगवान मदन मोहन के हाथों की बांसुरी छोटी और गोपाल जी की बांसुरी थोड़ी बड़ी है। जिस दिन प्रभु का अभिषेक होता है, जैसे गोपाष्टमी, अक्षय तृतीया, कंस दशमी, इन दिनों युगल झांकी के दर्शन नहीं करवाए जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा से फाल्गुन पूर्णिमा तक कपूर से अंत में आरती की जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी, राम नवमी के दिन मदन मोहन व राधाष्टमी के दिन राधा जी का अभिषेक किया जाता है। संध्या आरती के पश्चात मंगला तक युगल दर्शन नहीं होते। मदन मोहन के झूला दर्शन वर्ष में दो बार, श्रावणी तीज व होली के दूसरे दिन धूलड़ी को एक साथ होते हैं। इन दोनों ही दिनों के बाद भगवान की कुशल क्षेम के निमित्त मंदिर की ओर से गौदान किया जाता है। गोपाष्टमी के बाद श्रावण मास की एकादशी तक मदन मोहन कच्चे आम की आकृति का मुकुट व हाथ में छड़ी लिए रहते हैं। एकादशी पर सुबह खिरसा भोग व सायंकाल पुओं का भोग लगता है। भगवान को बाहर से खरीदा भोग नहीं लगाया जाता। भगवान के स्नान के लिए आज भी टैंकरों से यमुना जल आता है। शरद पूर्णिमा व दीपावली के दिन सभी झांकियों में प्रभु के युगल दर्शन प्राप्त होते हैं। भगवान की आरती 20 बत्तियों से उतारी जाती है। अक्षय तृतीया पर विग्रह पर शुद्ध चंदन का लेप, धोती व दुपट्टा धारण करवाया जाता है। सत्तू व शीतल भोग लगाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त प्रभु को चमर दान करता है, इस धरती पर धन व अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है। जो व्यक्ति छत्र देता है, उसकी संपदा बढ़ती है। चरण पादुकाओं का दान करने से देवलोक में जाकर सुख पाता है। ध्वजा चढ़ाने से शत्रुओं का नाश होता है और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। पंखा दान करने से सुख मिलता है। चंदोवा व पिछवाई दान करने से पाप नष्ट होते हैं। पीक दान देने से सौभाग्य बढ़ता है। चरण चौकी के दान से सम्मान मिलता है। दर्पण दान करने से प्रभु के गुण भक्त में उतरने लगते हैं। इसके साथ ही प्रभु की अलग अलग 8 झांकियों पर अलग अलग भजन, कीर्तन, स्रोत व स्तुतियां गाई जाती हैं। करौली शहर का शायद ही ऐसा कोई हिंदू घर होगा जहां से परिवार का कोई ना कोई एक सदस्य मदन मोहन के दरबार में हाजिरी लगाने न आता हो। कई लोगों ने तो नित्य दर्शन कर ही भोजन करने का नियम ले रखा है। श्री मदन मोहन प्राण प्यारे, दीन दयाल सुनी जब से, मेरे तो आधार मदन मोहन के चरणारविंद, आचमन करो कृपा निधान, शित कमला कुछ कुंडल, तेरो नचायो नाचू, हे मदन मोहन तेरी आरती गाऊं। इस प्रकार की अनगिनत स्तुतियां मानो मदन मोहन मंदिर को अपनी सुगंधी से भरती रहती हैं। दौड़ते भागते एक झलक पाने की लालसा वालों ने यहाँ के मंदिर को अनंत ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। जिनका लक्ष्य है मदन मोहन के चरणों को पाना। बोलिए बंशी वाले की जय।